नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। और चलिए देखते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए वीडियो बना के दूँ। एनीवेज हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना छोटा हो पाएगा वीडियो उतना छोटा करके ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट अगर जब करते हो ना, हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर हो कि आप लोगों के लिए आगे चल के काफ़ी सारे हम लोग वीडियोस बनाएं। उसके साथ साथ अगर अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि आप लोग को पता चले कि मैं जो वीडियो दे रहा हूँ, जो भी लेवल बताता हूँ, वो लेवल अचीव होता है या नहीं होता है, उन लोग को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि ट्रेड मिलता है, काफ़ी सारे लेवल्स मिलते हैं, उन सभी को मैं निवेदन करूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। गाइस, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर। लेवल क्या क्या होना चाहिए कल के लिए, और हम कल कौन से स्टॉक पर ट्रेड करेंगे और कैसे प्रॉफिट मिलेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगा, आप लोग सारे, मुझे पता है काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हो, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा ब्रोकरेज लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि इससे सस्ता ब्रोकरेज और अच्छा मार्जिन देके अच्छा प्रॉफिट आपको मिले, जैसे कि अगर आप कम ब्रोकरेज होता है ना, तो आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हर किसी का एक ही तमन्ना होता है कि छोटा कम सबसे कम ब्रोकरेज हमें हमारा एक डीमेट सजेस्ट हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपस्टॉक्स। अगर आप अपस्टॉक्स पर अकाउंट ओपन करते हो और मेरे दिए हुए लिंक के ऊपर, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक लिंक आ रहा है, उसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे चुका हूँ, उस लिंक पर जाकर आप ओपन करो, काफ़ी अच्छा ऑफर मिलेगा आप लोगों के लिए, एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। आप अगर मेरे लिंक दिए हुए लिंक पर अगर अकाउंट ओपन करते हो तो 1 महीने तक आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, यानी कि 1 महीना आप जितना भी ट्रेड करो आपको कुछ ब्रोकरेज नहीं लगेगा। उसके साथ साथ 1 महीने के बाद आपको पर ट्रेड फ्लैट 20 रुपीज़ के हिसाब से कटेगा, यानी कि आपका बाय 20 रुपीज़, सेल 20 रुपीज़ के हिसाब से आपका ब्रोकरेज कटेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, मुझे पता है सबको कम ब्रोकरेज में ट्रेड करना पसंद आता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को ओपन करके आप लोग जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग लेबल्स के ऊपर चलते हैं, टाइटन का लेबल देखते हैं, टाइटन का लेबल क्या रहेगा, कौन से लेबल पर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल के लिए हम लोग, मैं कुछ लेबल बता रहा हूँ, उन लेबल को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। टाइटन का सपोर्ट हम लोग पहले देखते हैं, टाइटन का सपोर्ट रहेगा 1557, 1557 का सपोर्ट रहेगा टाइटन। अगर 1557 के नीचे चला आता है टाइटन, आप सेल कर सकते हो, पहला टारगेट रहेगा 1526, 1526 के नीचे आता है 1510। आई होप आपको सपोर्ट समझ आया होगा, 1557 आपका रहेगा सपोर्ट, उसके नीचे आता है सेल करो 1526, 1526 के नीचे भी जाता है 1510। रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, रेजिस्टेंस हमें देखते हैं, रेजिस्टेंस रहेगा 1588, 1588 के ऊपर जाता है 1604, 1604 के ऊपर जाता है 1621। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और जो भी लेवल आपको बताऊँ, कैंडल देखने में रेड कैंडल बना है, पर काफ़ी एक मोटिवेटेड कैंडल बना है, इसी कैंडल पर एक छोटा यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक अच्छा बाइंग पोजीशन क्रिएट हुआ है, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर ये लेवल के ऊपर चलता है तो आप बाई करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। जो भी लेवल दे रहा हूँ उन लेवल के ऊपर आप फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं, उसके बाद चलते हैं इंडसइंड बैंक के ऊपर। इंडसइंड बैंक का भी हम लोग लेवल देखते हैं, इंडसइंड बैंक का सपोर्ट पहले देखते हैं 1021, 1021 का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है 1003, 1003 के नीचे जाएगा 987 का दूसरा टारगेट, और उसके नीचे भी जाता है 972 और 949, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। बट पहले लेवल आप याद रखो 1021, 1021 के नीचे जाता है 1003, 1003 के नीचे जैसे ही जाएगा 987, 972, 949, यहाँ तक लेवल्स हैं। मैंने आपको लेवल बता दिया हूँ, खास करके लेवल को नोट करो और उन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करो, एक अच्छा पैसा बनेगा। और उसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 1038, 1038 के ऊपर चलता है 1051, 1051 के ऊपर 1085, 1085 के ऊपर 1108, यहाँ तक मैं टारगेट दिया हूँ, और उससे पहले भी काफ़ी ऊपर का टारगेट दिया हुआ था 1135 के ऊपर,
बट फिलहाल के लिए मैं इतना तक ही टारगेट लेवल्स बता सकता हूँ, लेवल को नोट कर लीजिए और उन्हीं लेवल्स के हिसाब से मार्केट पे आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप गाइस सबको समझ आ रहा है मैं जो लेवल बता रहा हूँ, और ख़ास करके डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, प्लीज़ आप लोग अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है और अगर किसी को सबसे कम ब्रोकरेज, इंडिया का सबसे कम ब्रोकरेज अगर देखा जाए तो यही आपको कम ब्रोकरेज पे आपको मिलता है अब स्टॉक्स, आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन करो, एक महीने तक आपको फ्री ट्रेडिंग करो, यानी कि कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज एक महीने तक आपका फ्री रहेगा। अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसको ओपन करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपका रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी कुछ लेवल देखेंगे कौन से लेवल रहेगा और हमें कौन से लेवल पर इसको ट्रेड करना है वो भी बताऊँगा। उससे पहले सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी अभी भी कोई इंटरेस्टेड हो कि आप लोग ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल पर अबाउट सेक्शन है, वहां पर जाके आप मेरा ईमेल आईडी लेके मुझे मेल कीजिएगा, वहां पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, मुझे मेल करिए आपका डिटेल्स, नाम और फ़ोन नंबर, आपको तुरंत कॉल बैक जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो जेन्युइनली है, जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड करते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हो वही लोग ही सिर्फ मेल कीजिएगा, बाकी लोग प्लीज़ मेल मत कीजिए। काफ़ी लोग ट्रेनिंग या पैकेज चूज़ करना चाहते हो वही लोग करें, अदरवाइज़ कोई मजाक में कभी भी कोई करे मत। चलिए हम लोग श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लेवल देखते हैं, लेवल्स आपका रहेगा 40, सपोर्ट पहले देखते हैं, सपोर्ट रहेगा 1423 का सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे अगर जाता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट सेल कर सकते हो 1390 के नीचे 1372 और 1372 के नीचे जाता है 1357। दोबारा याद दिला देता हूँ, सपोर्ट रहेगा 1423 के नीचे जाता है 1390 के नीचे 1372 के नीचे 1357। यहाँ तक आपका अगर नीचे आता है तो आ सकता है। अगर ऊपर का लेवल देखें, अगर रेजिस्टेंस की बात कहें, रेजिस्टेंस रहेगा 1456 के ऊपर अगर चलता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1479 के ऊपर चलता है 1491 के ऊपर 1514। यहाँ तक भी जा सकते हैं लेवल, और मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपको क्लियरली बता दिया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करो और एक अच्छा पैसा मार्केट में कमाओ, यही मैं आप सभी के लिए ज़रूर कहूँगा। और गाइज आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर लेवल्स पसंद आते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दे रहा हूँ आपके तरफ से, एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। चलिए नेक्स्ट और एक फाइनल स्टॉक पर चलते हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा जस्ट डायल। काफ़ी दिनों के बाद मैं जस्ट डायल के ऊपर लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग तो रहा है लेवल मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, इसलिए मैं लेवल बता रहा हूँ। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो काफ़ी मदद करेंगे कल के डेट पर आपको ये लेवल्स। और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, स्टॉक्स में टारगेट ना आए तो आपको पहले ही मतलब एक्टिव रहना है, एक्टिव रहने के बाद ही आपको क्या करना है, उन्हीं हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेबल्स क्या रहेगा हमारे लिए। जस्ट डायल का सपोर्ट रहेगा 625 का सपोर्ट रहेगा, और 625 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है 619 आपका सपोर्ट रहेगा, सेकेंड सपोर्ट रहेगा, यानी कि टारगेट रहेगा। उसके नीचे भी आता है 612 के नीचे आता है 590, याद रखिएगा अगर 625 के नीचे अगर जस्ट डायल चला आता है सेल कर सकते हो। 619 पहला टारगेट, 612 दूसरा टारगेट, 590 आपका तीसरा टारगेट, यहाँ तक नीचे आ सकता है। लेवल्स बता दिया हूँ, ये लेवल्स को नोट करो। रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 644 पर, 644 के ऊपर चलता है बाय कर सकते हो। 663 आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 663.75 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 672.85, तीसरा रहेगा 694.80। तो गाइस जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ,
सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्लियरली देखिए और इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करिएगा और काफ़ी अच्छा आपको पैसा बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये लेवल दिया हूँ। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, देख कर ट्रेड करो और एक अच्छा पैसा कमाओ। और गाइस प्लीज़, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो। और किसी को अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, ओपन करके अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पर साइनअप करके अकाउंट ओपन करिएगा। जो बेनिफिट मैं आपको बोल रहा हूँ, एक महीने का आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, यानी कि एक महीने तक आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो, कोई ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा। तो यह ऑफर आपको तुरंत लागू हो जाएगा जैसे आप मेरे लिंक से ओपन करते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।